मर 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 उसको मर उसको मर उसको मर उसको मर उसको मर। सेट यार मर गया, ये फोन इतना लैग करता है इतना लैग करता है। अरे भाई क्या हुआ यार, ये फोन इतना लैग करता है, पबजी नहीं खेल पा रहा हूँ। तो लैपटॉप पे खेल ले। लैपटॉप पे भाई कैसे खेलू, उसमें तो सिर्फ 2 GB रैम है भाई, क्यों नहीं खेल सकता। चल दिखाता हूँ, 2 GB में 50 to 60 FPS। क्या रियली 2 GB रैम और 60 FPS? यस, पहले चिया देते रहा। ऑलराइट, हे गाइस, मेरा नाम नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नील्स लैब। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप पबजी मोबाइल गेम को एक 2 GB रैम वाला लैपटॉप विदाउट ग्राफिक्स कार्ड आप स्मूथली 50 to 60 FPS पर खेल सकते हैं। अगर आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तो आप 60 FPS डायरेक्टली छू सकते हैं, और अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 50 to 60 FPS ईजिली खेल सकते हैं। मतलब 50 to 60 के अराउंड आप इजिली पबजी मोबाइल को खेल सकते हैं विदाउट एनी लैग। सो विदाउट फर्दर एनी डू, लेट्स गेट इट। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो जो चीज जरूरत पड़ेगी वो है एक इंटरनेट कनेक्शन और फिनिक्स ओएस। तो दोस्तों जो फिनिक्स ओएस है वो एक एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड 7.1 पे रन करती है, ठीक है। देखिए ये कोई इमुलेटर नहीं है जो विंडोज पर रन करते, ये एक डेडिकेटेड ओएस है। मतलब आप अपने कंप्यूटर पर इसको इंस्टॉल करेंगे और आप विंडोज के जरिए ही आप उसको ओपन कर सकते हैं, और आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर रिबूट होगा फिर से ऑन होगा अपना डेडिकेटेड ओएस पर जो एंड्रॉयड 7.1 पे रन करती है, ठीक है। तो अब इसके जरिए पबजी मोबाइल को स्मूथली खेल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ कि कैसे ये स्टेप करना होगा और की मैपिंग कैसे करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए फिनिक्स ओएस का सेटअप और पबजी मोबाइल का सेटअप। देखिए पबजी मोबाइल का सेटअप इसलिए चाहिए, अगर आप ऑफलाइन इंस्टॉल करना चाहते हैं पबजी मोबाइल गेम को तो आपको ये फाइल ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये फाइल आपको मिल जाएगा अपना इंटरनल स्टोरेज, उसके बाद एंड्रॉयड, उसके बाद OBV फाइल में, ठीक है। अगर आपके पास पबजी मोबाइल गेम इंस्टॉल है आपके फ़ोन में तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और नहीं है तो आप किसी दोस्त से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो OBV डाटा फाइल है इसको चाहिए, और पबजी मोबाइल का एप्लीकेशन चाहिए लेटेस्ट वर्जन, और यहाँ पर चाहिए फिनिक्स ओएस। और ये जो फिनिक्स ओएस का जो डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके इस फिनिक्स ओएस को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पबजी मोबाइल को ऑनलाइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस फाइल की आपका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप फिनिक्स ओएस इंस्टॉल करने के बाद गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं पबजी मोबाइल को। और ये जो पबजी मोबाइल का सेटअप है मैं इसको लोकल ड्राइव पे रख रहा हूँ, क्योंकि इसको मुझे बाद में ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी, तो मैं इसको लोकल ड्राइव में मैं रख देता हूँ। तो दोस्तों फिनिक्स ओएस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसका जो सेटअप है इसको आप रन कीजिए। ओके, तो आप यहाँ पर इसको यस कर दीजिए, ठीक है। यस करने के बाद ये डायलॉग आएगा, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इसको पेन ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप इसको इसके ज़रिए अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। देखिए मैं पेन ड्राइव में इंस्टॉल करना नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पेन ड्राइव में अगर आप इंस्टॉल करेंगे जो बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि एक हार्ड ड्राइव के मामले में एक पेन ड्राइव बहुत ही स्लो है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जो हार्ड ड्राइव है उस पर ही इंस्टॉल कर ले, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप बहुत ही आसानी से इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं कोई डाटा लूज किए बिना। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ इसको, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप ये कौन सी ड्राइव में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं अपना डी ड्राइव जो है इसमें इंस्टॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ड्राइव मेरा पूरा फ्री है, तो मैं इसको डी ड्राइव सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब ये पूछेगा कि आप कितना GB इंस्टॉल करना चाहते हैं। देखिए ये जो GB है ये आपका ROM की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर आप 32 GB चूज़ करें तो 32 GB ROM होगा, या फिर 16 GB चूज़ करें तो 16 GB ROM होगा, या फिर 8 GB चूज़ करें तो 8 GB ROM होगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 8 GB तक चूज़ कीजिए, ठीक है, 8 GB, 16 GB या फिर 32 GB। तो मैं यहाँ पर 16 GB सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे 32 GB की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ पबजी खेलने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको 16 GB पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। और एक बात नोट कीजिए, अगर आप 16 GB इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको 18 GB फ्री स्पेस चाहिए, और अगर आप 8 GB इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको 10 GB फ्री स्पेस चाहिए अपने ड्राइव पे, ठीक है। तो मैं 16 GB पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये कह रहा है कि ये 2 से 5 मिनट में नॉर्मली इंस्टॉल हो जाएगा इफ़ 8 GB सिलेक्टेड, मतलब 8 GB अगर सिलेक्ट होता तो 2 से 5 मिनट लग, और यहाँ पर 16 GB है तो आपको 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही, ठीक है। तो मैं ये प्रोसेस को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टाइम लेगा। मैं इंस्टॉल होने के बाद दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा।
तो दोस्तों अभी मैं आपको लेकर आया हूँ अपने फ़ोन के रिकॉर्डिंग में, क्योंकि ये डिवाइस अब रिबूट होने वाला है तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिबूट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको रिबूट करता हूँ और ये फिर से बूट होगा फोनिक्स ओएस पर। तो मैं इसको यहाँ से रिबूट करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब फोनिक्स ओएस है अब इसमें बूट हो चुका है, ठीक है। और ये थोड़ा सा समय लेगा इसका सेटअप के लिए, ठीक है। तो मैं इस समय को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फोनिक्स ओएस पर अब बूट हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश ही अलग लैंग्वेज है जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद आप सेटअप कर लीजिए, जो फ़ोन में सेटअप करते हैं वैसा ही कुछ सेटअप है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस अब फोनिक्स ओएस पर बूट हो चुका है, ठीक है। ये जो ओएस है ये फोनिक्स ओएस है। ये ओएस आपको देखने में ठीक ठाक विंडोज़ की तरह लगता है, पर ये विंडोज़ से काफ़ी बेहतर है क्योंकि ये बेस्ड है एंड्रॉयड पर। और एंड्रॉयड ये जो प्रोसेस इंटेल का प्रोसेसर या फिर एएमडी का जो प्रोसेसर है उस पर बहुत अच्छे से रन करता है क्योंकि वो इतना हेवी सॉफ्टवेयर नहीं है। आप देख सकते हैं ये फोनिक्स ओएस अब बूट हो चुका है। ये इसका जो पूरा इंटरफेस है पूरा कंप्यूटर की तरह। यहाँ पर आपको माई कंप्यूटर रिसाइकल बिन और यहाँ पर आपको बैक रिसेंडर होम की मिलता है यहाँ पर। और उसके बाद आपको टॉगल्स मिलता है और यहाँ पर आपको स्टार्ट मेनू की तरह एप्लीकेशन मेनू मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर है, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। इस प्ले स्टोर के जरिए आप पबजी को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप प्ले स्टोर को ओपन कर सकते हैं और पबजी को सर्च करके उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, आप फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों फोनिक्स ओएस को बूट करने के बाद अगर आपका कंप्यूटर लैग करता है थोड़ा थोड़ा, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि फिर से आप इसको रीबूट कर लीजिए, क्योंकि ये जो ओएस है अगर आप लो एंड पीसी पर पहली बार चलाएंगे तो थोड़ा सा लैग करेगा। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप इसको रीबूट कर लीजिए, फिर से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं दिखा रहा हूं कि आप पबजी को कैसे ऑफलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा था कि आप पबजी का जो फाइल है वो आप किसी भी ड्राइव पर रख लीजिए ताकि ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। तो मैंने अपना जो 227 GB ड्राइव था इसमें रखा था। तो आप देखते हैं यहाँ पर मुझे पबजी का यहाँ पर पबजी का फोल्डर है। देखिए यहाँ पर एपीके आ गया है और डाटा फाइल आ गया है। तो ये जो डाटा फाइल है आप इसको लॉन्ग प्रेस करके इसको कॉपी या फिर कट कर लीजिए। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद आप बैक पर जाकर यहाँ पर जो एंड्रॉयड सिस्टम है यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये जो एंड्रॉयड सिस्टम है अब इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो एसडी कार्ड का ऑप्शन है इसको खोल लीजिए। उसके बाद आप जाइए एंड्रॉयड पर, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ डाटा फोल्डर है, यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर लीजिए जिसका नाम होगा OBB स्मॉल लेटर्स में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फोल्डर होगा OBB। तो ये फोल्डर को फिर से ओपन करने के बाद यहाँ पर आप डाटा फाइल को पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वापस जाइए पबजी फोल्डर में जहाँ पर आप फाइल को रखा था, उसका जो APK है आप उस APK को इंस्टॉल कर दीजिए। ये APK को ओपन कीजिए डबल क्लिक करके। तो यहाँ पर पैकेज इंस्टॉलर आ चुका है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि पबजी अब इंस्टॉल हो चुका है। इस पर डन पर क्लिक करके सारे जो विंडो है आप इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि पबजी अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर। तो मैं इस गेम को ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये चलता है 2 GB रैम पर। तो दोस्तों अगर इसके बाद आपका पबजी ऑन नहीं हुआ तो आपको सेटिंग्स पे जाकर कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सेटिंग्स पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो ऐप सेटिंग्स है आप इस पर जाइए। ऐप सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर जो पबजी का गेम है इसको ऑन कीजिए और यहाँ पर जो परमिशंस है इस यहाँ पर माइक्रोफोन और स्टोरेज की परमिशन दे दीजिए, नहीं तो ये गेम नहीं ऑन होगा। अगर आप ऑफलाइन इंस्टॉल करें तो, अगर आप ऑनलाइन इंस्टॉल करें तो इसको कोई सेटिंग करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सेटिंग हो चुका है, अब गेम को ऑन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब यह गेम ऑन हो चुका है। अब मैं दिखा रहा हूँ इसका की मैपिंग कैसे करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गेम ऑन हो चुका है। तो इसको फटाफट सेट कर लेते हैं कुछ निकनेम देकर। देखिए दोस्तों ये जो गेम है, मैं जब मेरा इस लैपटॉप में टेंशन गेमिंग बड़ी में खेल रहा था तो ये 2 GB रैम पर पहले तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ, फिर से मैंने 4 GB पर इसको अपग्रेड किया। अपग्रेड करने के बाद जो टेंशन बड़ी गेम है मैंने उसको इंस्टॉल किया, उसके बाद पबजी को भी डाउनलोड किया। उसके बाद मुझे जो फ्रेम ड्रॉप मिल रहा था वो बताने लायक नहीं है, मुझे 15 FPS मिल रहा था, ठीक है। और देखिए इसका जो सेटिंग ऑटोमेटिकली ये हाई पे ले चुका है, तो मैं इसको हाई पे नहीं खेलूंगा, मैं इसको लो पे खेलूंगा क्योंकि मैं इसमें सिर्फ 2 GB रैम लगा कर रखा हूँ, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स पे जाके इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ। और अगर हाई पे भी देख सकते हैं ये कितना स्मूथ चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ग्राफिक्स पर जाता हूँ, इसको स्मूथ करके इसको फ्रेम रेट को एक्सट्रीम कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथ चल रहा है सिर्फ 2 GB रैम में। मैंने इसमें 4 GB रैम इंस्टॉल करके नहीं रखा, मैं टेस्ट के लिए 2 GB रैम इंस्टॉल करके रखा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ गेम प्ले दिखा रहा हूँ, उसके पहले जो की मैपिंग है मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एक की मैपिंग आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो की मैपिंग के लिए दोस्तों पहले यहाँ पर जो सेटिंग है इस सेटिंग्स पर चले जाइए, उसके बाद यहाँ पर जो शूट मोड शॉर्टकट है मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो है इसको आप कंट्रोल पर कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो इसको करते हैं कंट्रोल पर, आप ये सेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कीबोर्ड से भी खेल सकते हैं या फिर गेमपैड से भी खेल सकते हैं, और यहाँ पर आप 1080p पर भी ये गेम खेल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तो आप 1080p पर खेलिए, आराम से चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑन हो गया और ये मूवमेंट नहीं कर रहा, तो आप कंट्रोल दबा दीजिए तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर जो सेटिंग है वहाँ पर कंट्रोल सेटिंग करके रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो गेम है मेरे लैपटॉप पर टेंशन बड़ी गेम में चल ही नहीं रहा था, 15 FPS पर चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते। तो दोस्तों अगर आपको डाउट है कि मेरे लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन क्या है तो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लास्ट में दे दूंगा कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। इसमें है पेंटियम का प्रोसेसर, एक बहुत ही पुराना प्रोसेसर, और इसमें सिर्फ 2 GB रैम है। आप देख सकते हैं ये इसका जो फ्रेम है अराउंड मुझे 50 FPS मिल रहा है, और इसमें मुझे कोई भी लैग नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही माइनर सा फ्रेम ड्रॉप है, बहुत ही माइनर सा, जो नोटिस करने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों 2 GB रैम पर इससे ज़्यादा मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अगर आपके पास 4 GB रैम है तो आप कोई भी बिना प्रॉब्लम के फ्रीली बहुत ही अच्छे से खेल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया तो। और जो दोस्त आपका पबजी नहीं खेल पा रहा है लैपटॉप पर या फिर फ़ोन पर, आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए भी बहुत काम आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो पर। स्टे ट्यून्ड एंड पीस।